गांधी परिवार पर दिए गए सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी के बयान पर कांग्रेस में आक्रोश बढ़ता जा रहा है और इसी को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, गणेश जोशी का विरोध किया। शहादत कोई इनकी बबूती नहीं है, ये तो इनके साथ एक हादसा हुआ है। उससे उनकी मानसिकता और उनके बौद्धिक स्तर का पता चलता है। आदत हो गई है शहीदों का अपमान करने की। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी के बयान पर कांग्रेस कार्यकर्ता भड़क गए हैं। गणेश जोशी के खिलाफ प्रदर्शन और नारेबाजी हो रही है। कांग्रेस का कहना है कि गणेश जोशी ने गांधी परिवार के बारे में अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कभी वो शहीदों का अपमान करते हैं, कभी सनातन धर्म को बदनाम करते हैं, ये उनका काम है। और जिस प्रकार का उन्होंने आपत्तिजनक बयान दिया है वो उन्हें शोभा नहीं देता। वो एक अच्छे मंत्री पद पर बैठे हुए हैं, तो ये उनकी संकुचित मानसिकता व अप्रवक्ता को दर्शाता है। कांग्रेस ने गणेश जोशी के बयान की भी निंदा की है। कांग्रेस का कहना है कि ऐसे बयान नेताओं की ओछी मानसिकता को दर्शाते हैं। शहादत इस आजादी के आंदोलन में भगत सिंह ने दी है, सावरकर ने दी है, चंद्रशेखर आजाद ने दी है। शहादत कोई इनकी बबूती नहीं है, ये तो इनके साथ एक हादसा हुआ है। शहादत में और हादसे में बहुत अंतर होता है। इंदिरा जी जिन्होंने इस देश को मजबूती देने का काम किया, इस देश के अंदर गरीबी को समाप्त करने का काम किया, जिनको पूरी दुनिया जो है लौह मैला के रूप में जानता था, उनकी शहादत को ये कहना कि ये शहादत नहीं है, तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गणेश जोशी का बौद्धिक स्तर क्या है। गणेश जोशी के बयान से कांग्रेस को भाजपा को घेरने का मौका मिल गया। कांग्रेस इसे तूल दे रही है और गणेश जोशी के बहाने पूरी भाजपा को ही कटघरे में खड़ा कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और इसी से जुड़ी हुई बड़ी खबर जान लीजिए आप। अपने बयान पर कायम है गणेश जोशी। देहरादून से बड़ी खबर है, बीपी गंगा पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। अपने बयान पर वो अड़े हुए। देहरादून से खबर, अपने बयान पर कायम है गणेश जोशी। बीपी गंगा पर कैबिनेट मंत्री ने कहा है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा। गांधी परिवार को लेकर दिए गए बयान के बाद कांग्रेस गणेश जोशी के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रही है। हमारे साथ हैं, बातचीत करते हैं कि बयान किस आधार पर दिया गया। सर, कांग्रेस लगातार आपका जो बयान गांधी परिवार को लेकर दिया गया था उसमें विरोध कर रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, राहुल जी ने जो लाल चौक पर बयान दिया था, मैंने उसके परिप्रेक्ष्य में ये बयान दिया और मैंने आज फिर कह रहा हूँ, शहादत वो होती है जो हमारे बलिदानी हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए, शहीद भगत सिंह हो, राम प्रसाद बिस्मिल हो, अस्पाउल्ला खां हो, मेजर दुर्गामल हो, अंग्रेजों ने उनसे कहा कि आप देशद्रोह स्वीकार कर लो, हम सजा माफ़ कर देंगे। उन्होंने कहा नहीं, मैं फांसी पर चढ़ जाऊंगा, लेकिन वो फांसी पर चढ़ गए। ऐसे हमारे सैकड़ों लोग हैं जिन्होंने इस राष्ट्र के लिए बलिदान किया, ऐसे हमारे सैकड़ों वीर देश की सीमा पर रक्षा करते हुए, चाहे जसवंत सिंह हो, मेजर धन सिंह थापा हो, मेजर शैतान सिंह हो, सोमनाथ जी हो, इसको शहादत कहते हैं। मैं अपने घर ऑफिस में बैठा हूँ और मुझे आकर कोई गोली मार दे, मैंने ये कहा कि स्वर्गीय इंदिरा जी के साथ एक दुर्घटना हुई कि उनके अंगरक्षक ने उनको गोली मार दी, ये दुर्घटना थी, ये एक हादसा था। मैंने कहा कि स्वर्गीय राजीव गांधी को लिट्टे के आतंकवादियों ने मालूम कर उड़ा दिया, ये एक हादसा था। अब या तो इनको इतिहास का नहीं पता, इन्होंने भारत का इतिहास नहीं पढ़ा कि शहादत बलिदान किन लोगों ने की, और आज मैं अपने बयान पर कायम हूँ, मैंने कोई गलत नहीं कहा। और जहाँ तक लाल चौक पर झंडा फहराने की आप बात कर रहे हैं, उसका श्रेय भी जाता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। जिस टाइम आतंकवाद चरम पर था, तब वहां पर किसी ने हिम्मत की थी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने की थी, उन्होंने झंडा फहराया था। आज जब धारा 370 खत्म हो गई, कश्मीर सुरक्षित है,
तब कहते हैं कि हम लाल चौक पर झंडा फहराएंगे। अगर आपने झंडा फहराया तो उसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है कि उन्होंने ऐसा वातावरण वहाँ पर बना दिया है कि कोई भी जाकर जो है तिरंगा फहरा सकता है। कांग्रेस के नेताओं को क्या कहेंगे आप? वो तो लगातार विरोध कर रहे हैं आपके, आपका विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि क्या वो अपना काम, देखिए उनको कुछ दिन का रोजगार मिला, आजकल बेचारे बेरोजगार हैं, तो कुछ पुतले वाले की कमाई हो रही होगी, कुछ उनको भी थोड़ा काम मिल गया है, आजकल उनके पास काम ही नहीं है। धन्यवाद सर एबीपी गंगा के साथ बातचीत करने के लिए। आपके कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी, जिनका साफ कहना है कि वो अपने बयान पर कायम है, कांग्रेस किसी तरह का प्रदर्शन करे, कांग्रेस के पास कोई काम नहीं था तो उन्होंने उन्हें काम दे दिया है, इसलिए वो प्रदर्शन कर रहे हैं। देहरादून से अपने सहयोगी मेहमर रावत के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर रुड़की से है। रुड़की सिविल अस्पताल के रेडियोलॉजिस्ट पद पर तैनात डॉक्टर मनीष दत्त को हरिद्वार सीएमओ पद पर पदोन्नति होने से अस्पताल में पिछले 3 दिनों से अल्ट्रासाउंड नहीं हो पा रहा है, जिससे शहर और देहात क्षेत्र से आने वाली गर्भवती महिलाओं को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा। सिविल अस्पताल में महज एक रेडियोलॉजिस्ट थे, जो कि हफ्ते में 3 दिन रुड़की और 3 दिन हरिद्वार में अल्ट्रासाउंड करते थे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।